होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। सुबह तुम्हें बाराबंकी जनपद के मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर करौंदी कला ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। विकास कर लगता है हरख ग्राम पंचायत करौंदी कला। यहाँ पर जो है करीब करीब कई लाख का घोटाला हुआ है, संज्ञान में आया है कि ग्रामीणों का कहना है, जैसे संज्ञान में आया है कि एक चकमार की पटाई हुई खरंजा लगे, लेकिन यहाँ पर मौके पर कुछ भी नहीं हुआ है। और जो ये अमृत सरोवर है, शहीद अशफाक उल्लाह खां अमृत सरोवर, इसकी भी लागत जो है करीब 5,51,258 रुपये की है, लेकिन करीब करीब 1,19,000 रुपया निकल चुका है। लेकिन मौके पर केवल ये है सीमेंटेड चबूतरा बना है और बोर्ड लगा है, बाकी यहाँ पर जो है कोई विशेष काम नहीं हुआ है। कि जिस तरीके से इधर भी एक तालाब है, दिखा जाता हूँ किस तरह से है तालाब है, और इसके बगल में तालाब है जहाँ सरोवर तालाब में हमेशा पानी होना चाहिए, जो जीव जंतुओं के लिए पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए होना चाहिए। ये है तालाब है, सरोवर तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो है करीब 1,00,000 रुपये से ऊपर का काम हुआ है, लेकिन यहाँ मौके पर जो है कोई काम नज़र नहीं आ रहा है कि कोई काम हुआ है। क्योंकि 17/6/2022 से जैसे सिरापट लगा है तो 1,19,000 कुछ रुपया निकला है, लेकिन मौके पर 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। और कुल लागत 5,51,258 रुपये की है, इसलिए जो है इनमें भी घोटाला हुआ। इसी तरीके से एक नहीं कई कई यहाँ पर जो है सुलभ शौचालय बाइक शौचालय में भी घोटाला हुआ है। क्योंकि ग्रामीणों का कहना कि 6 शौचालय बने हुए हैं, 6 दूरी 12 गड्ढे, 12 गड्ढे पर केवल 4 ही गड्ढे हैं, 4 गड्ढे भी नहीं हैं। और करीब करीब 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की लागत का सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन ग्राम पंचायत के निवासियों के भी इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये चालू नहीं हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है चालू नहीं हुआ, लेकिन 1-1.5 साल पहले 1.5 साल की ज़्यादा का समय हो गया, पर लेकिन चालू नहीं हुआ। यह अधिकारियों कर्मचारियों की खाओ कमाओ की नीति है कि करोड़ों खर्चा होने के बाद भी पब्लिक को उसका लाभ नहीं मिलता है। अब देखना है कि जो हमारे इस वीडियो को, इस खबर को सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसको संज्ञान में लेकर के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं रवि रावत जी, संज्ञान में लेकर के कब क्या कार्रवाई करते हैं, ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, DS News 12। एक शौचालय बनता है तो गड्ढे बनते हैं 2, लेकिन दादाजी इसके अंदर कितने शौचालय बने हैं? 6 शौचालय बने हैं। और मौके पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि गड्ढे केवल 4 हैं, यानी इसमें भी घोटाला हुआ है कि 4 गड्ढे बनवाए गए हैं, शौचालय 6 बने हुए हैं। 6 दून 12 गड्ढे होने चाहिए, 12 पर 4 ही है, यानी 8 गड्ढों का भी घोटाला किया गया है। दादाजी आपका नाम क्या है? राम सिंह। आप किस गाँव के निवासी हो? करौली कला के। ये जो आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय बना है, करीब करीब कितने दिन पहले बना है? डेढ़ साल हो गए हैं। तब से आज तक ये चालू हो नहीं चालू हुआ नहीं। चालू हुआ नहीं हुआ है, यानी कि सरकार का जो है 1,00,000 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों को कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 1.5 साल पहले जब पूर्व प्रधान थी फूलमती जी थी, उनके कार्यकाल बना है, बोर्ड वगैरह सब लगा है, लेकिन आज तक खुला नहीं है। धन्यवाद। आप किस गाँव के निवासी हैं? करौंदी कला। ये आपके बगल में जो सुलभ शौचालय बना हुआ सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत करौंदी कला का, ये कितने बजे से देर तक खुलता है? ये इसमें अभी काम ही नहीं हुआ है। अभी कुछ काम नहीं हुआ है, यानी कि अभी खुलता ही नहीं है। आइए दिखाए, इसमें अभी देख लो आप, कोई काम नहीं। अब पानी का फिक्र है।